चलिए देवर जी, अब अंगूठी ढूंढने का खेल भी आपको खेलना ही पड़ेगा, ताकि हम भी तो देखें कि आगे चलकर आप दोनों में से किसकी चलने वाली है। मैं जहां हूं वहां मेरी ही चलती है भाभी, और आगे भी चलेगी। और ये छिंदी सा खेल मेरी लाइफ का फैसला नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरी लाइफ कोई टॉस नहीं है जिसे हथेलियों में लेके उछाला जाए। हाँ हाँ, अभी चाहे तुम जो कुछ कह लो, लेकिन सच तो ये है कि घर में घरवाली की ही चलनी चाहिए। और तुम मानो ना मानो, लेकिन भाई बड़े बड़े तुर्रम खा भी घर आके सिर्फ पति हो जाते हैं। सही कह रहे हो ना आंटी? हाँ, एकदम सही कह रहे हो तुम। सब इसी पे है, अब जे ही संभालेगी। देखते हैं इनके हमारे परिवार में शामिल होने के बाद क्या क्या होता है। चलिए माँ, ये जो भी है जरूरी काम जल्दी जल्दी करिए, ये गेम में नहीं खेलूंगा बेकार की मैं। हाँ हाँ, चलो बेटा हाथ ऊपर कर लो। उर्मी बहू, जे खोलो, उसके बाद तुम्हारा बंधन जे खोलेंगे। उसकी मुसीबतों की चिंता करना तुम छोड़ो त्रिशा, एक तुम ही नहीं हो उसके लिए अच्छा सोचने वाली। और याद रखो, सम्राट उसका पति है अब। एग्जैक्टली मॉम, यही तो प्रॉब्लम है कि अब वो आदमी उसका पति है। देखो त्रिशा, हम मानते हैं कि सम्राट के बातचीत करने का तरीका ठीक नहीं है, हमने भी देखा है उसे अजीब बात करते हुए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान खराब है। कई लोग होते हैं जिन्हें बातचीत करने का ढंग नहीं मालूम होता है, और ये मत भूलो कि यही सम्राट अपनी माँ को सबके सामने माफी मंगवाने के लिए ले आया था। यही तो चाल है उसकी माँ, एक काम ऐसा कर दिया है कि बात बात पे आप सब लोग उसी चीज का एग्जाम्पल देते हो। पूरे परिवार ने सोच समझ कर ही शादी की है उर्मी की, और तुम फिर से वही सब मत शुरू करो। तुम अपनी ये रट छोड़ो और अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से पहले ही कम दिक्कतें नहीं हुई है यहाँ पर। तुम्हारा बस चलता ना तो सच में ये शादी नहीं हुई होती। माँ प्लीज। बस त्रिशा बस, ये बात हमें और नहीं सुननी है। अब तुम फोन रखो, और ये बात करने के लिए ना वापस अभी फोन मत करना। माँ मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। ये लड़की भी ना किसी दिन बड़ी मुसीबत में डालेगी अपने माँ बाप को। ऐसे कैसे नहीं सुनेंगी आप मेरी बात? त्रिशा, आपको क्या लगता है माँ कि मैं उर्मी की खुशियों में शामिल नहीं होना चाहती थी? मैं भी खुशियों में शामिल होना चाहती थी माँ, अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ उसे, और इसीलिए मैं चाहती थी कि ये शादी नहीं हो, क्योंकि सम्राट की असलियत सिर्फ मैं जानती हूं। उसका असली चेहरा सिर्फ मैंने देखा है माँ, और जिस बात को आज आप मानने के लिए तैयार नहीं हो ना माँ, देखेगा एक दिन वो सच्चाई आपके सामने आएगी। सम्राट का असली चेहरा आपके सामने आएगा माँ। सम्राट अच्छा आदमी नहीं है, और ये बात मैं लिख के दे सकती हूं कि ये शादी सबको पछतावे के अलावा और कुछ नहीं देगी। कुछ नहीं मां।
ओफो, अब इसे क्या हो गया, ये पेज भी अटक गया, खुल भी नहीं रहा है। क्यों परेशान हो रही हो, लाओ मैं खोल देता हूँ। याद है आपको हमारी पहली रात भी आपने इतने ही प्यार से सारे गहने उतारे थे। कैसे भूल सकता हूँ, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। बस कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ क्या करूँ, थोड़ा नर्वस था। याद है हमें, आपके तो हाथ भी कांप रहे थे। सच में। और एक घंटे तक आप सारे गहने ही उतारते रह गए थे। अरे तो भाई क्या करता मैं, तुम्हें छूते ही कुछ होने लगता था। ऐसा लग रहा था कि अपनी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा दे रहा हूँ। सच में कितनी मजेदार यादें हैं ना वो, दिल दिमाग में ऐसे बैठी है जैसे कि ये सब कल की ही बात हो। बिल्कुल, हम आज भी याद करके वो बेचैनी वो नर्वसनेस महसूस कर सकते हैं, इतनी ताजा है वो रात हमारे जहन में। हम आपसे एक बात कहें, हम बहुत खुशनसीब हैं जो आप हमें मिले। हम भी तुम्हें पाकर पूरे हो गए कंचन। आपकी आंखें जैसे नशे से भरी हुई नदी हो और आपकी ये पलकें जैसे वाइन ग्लास, जब झुकती हैं तो खाली और जब उठती हैं तो भरी हुई। जान डाल दी आपने मुझ में, इस नदी में मैं अब तैरना चाहता हूं। इस खास रात के लिए आपके लिए तोहफा, ये बहुत सुंदर है। हाँ लेकिन आपसे कम, थैंक यू। हम भी आपके लिए कुछ खास लाए। अच्छा क्या?
अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है। हमने अपने हाथों से बनाया है। सच? तब तो मेरे लिए ये अनमोल है। आपको पसंद आया? पसंद नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता। एक मिनट, तो बताइए कैसा लग रहा हूं मैं अपनी बीवी के हाथों बना स्वेटर पहन के। बहुत हैंडसम, परफेक्ट। थैंक यू सो मच, दिस वन इज रियली स्पेशल फॉर मी। हम अपना सेट ट्राई करके देखते। क्योंकि ये वक्त गहने पहनने का नहीं, गहने हटाने का है मैडम। उर्मी, उर्मी कहाँ?
और ऐसे फिल्मी हीरोइन की तरह के बैठी हैं आप घूंघट तोड़कर। पर अभी तक आपने चेंज भी नहीं किया है, जाइए जल्दी से कपड़े चेंज करके आइए। क्या हुआ वैसे, आप सो कैसे गई? पता नहीं कैसे आंख लग गई। क्या वो कुछ चाहिए आपको? चेंज क्यों नहीं कर रही है? चाहिए जल्दी। दरभंगा नगर निगम में काम करने वाले राम नारायण महतो कागजों में जन्म से पहले ही नौकरी कर रहे हैं। जाइए। सुस्त क्यों आ जा आप, स्लो मोशन पिक्चर की तरह? फटाफट जाइए, फटाफट आइए। जाइए जल्दी से कपड़े चेंज करके आइए। और ऐसे फिल्मी हीरोइन की तरह के बैठी हैं आप घूंघट तोड़कर। जाइए। सुस्त क्यों आ जा आप, स्लो मोशन पिक्चर की तरह? फटाफट जाइए, फटाफट आइए।